यही है। भाई साहब ये रिया वाले में है। आज ये नई गाड़ी में भेजना भैया, भी गाड़ी उठ रहे हैं। मरणोपरांत उत्तर प्रदेश से 10 मार्च 2014 को रिया चौधरी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उनके माता पिता और ताऊ पर हमला कर दिया। पिता को गोली से बचाने के लिए वो गोली रिया ने खुद खाई और अपने प्राण गवा बैठी। रिया चौधरी ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अपने पिता का जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी माता अनीता इस पुरस्कार को हासिल कर रही है। मोनिका उर्फ मनीषा मरणोपरांत उत्तराखंड की है। ये चमोली जिले के कालेश्वर गांव में 15 जून 2014 की दोपहर मोनिका अपने दो छोटी को मोटवार गांव में जो है रिया लड़की थी जो इसने इंटर पास किया था उसकी हत्या हो गई थी। और ये एक वो था चंद्रपाल जिन्होंने अपनी जमीन ठेके पर दे रखी थी और ये मुलजिम सुनील रोहतास और ललित इनके खानदानी था और उसने अपनी ज़मीन इनसे छुड़ा ली थी। तो इसी रंजिश से ये जो है चंद्रपाल उसके सुरेश पाल के मकान पर आया हुआ था। तो ये मुलजिमान तीनों आए और इन उसे चंद्रपाल को खींच के ले जाने लगे। तो उसे बचाने के लिए वादी सुरेश पाल, उसकी पत्नी अनीता और उसकी लड़की रिया बचाने आई तो इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे रिया को, अनीता को और चंद्रपाल को चोटें आई। और जब ये अस्पताल में ले गए तो रिया की मृत्यु हो गई थी। रिया ने किस तरह बहादुरी का रिया ने बहादुरी का परिचय, जब उसने फादर पे और चंद्रपाल पे गोली चलाई तो सामने आ गई। तो ये बता दें उसने जो है अपनी गोली अपने ऊपर ले ली जिससे उसकी गोली लगी और उसकी हत्या हो। कितने दिन कोर्ट में केस चलाए? ये 2014 की घटना है। फिर इसकी जांच सीबीआई को भी चली गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और इससे पहले इसने लोकल पुलिस ने भी इसकी जो है चार्जशीट दे दी थी, दो के खिलाफ, दो अभियुक्त उसमें फरार थे। फिर बाद में तीन के खिलाफ इसमें चार्जशीट आई सीबीआई की तरफ से। अब क्या जजमेंट है? जजमेंट में है कि ललित रोहतास और सुनील को 302, 307 और 452 में दोषी करते हुए दोषी पाया और ललित को 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाया है। और कल दंड के प्रसंग पर इन्हें सुना जाएगा। क्या मामला था ये जिसमें आज कार्रवाई की गई है? रिया, ये मामला जो था रिया मर्डर केस से संबंधित है। इसमें रिया की हत्या की गई थी, साथ में रिया की मदर अनीता थी, उनको गोली लगी थी और दो लोग इंजर हुए थे। तो ये कितना लंबा मामला था, कब से चला था आपके सीबीआई कोर्ट में, कब तक चला, कैसे क्या हो? ये सीबीआई में 2015 में आया था और ये अब आपके समाप्त हो गया 2019 के। तो आज क्या निर्णय हुआ इसमें, क्या है? आज जो इसमें तीन दोषी थे उनको दोषसिद्ध न्यायालय द्वारा कर दिया गया है और सजा के प्रश्न पर कल के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है।